तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। और मैं आ चुका हूँ एक और नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों अभी मैं और पप्पा जा रहे हैं अभी भाणवर, और थोड़ा सा कुछ स्पेशल काम है तो इसलिए हम भाणवर जा रहे हैं। तो वो तो मैं आपको अभी नहीं बताने वाला हूँ, वो तो आपको आगे ही पता चलेगा, वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा। तो हम मिलते हैं सीधा आपको भाणवर जाके। तो अभी हम पहुंच गए हैं भाणवर, और सामने है मोबाइल शॉप वेलनाथ मोबाइल, जो कि पप्पा के फ्रेंड की ही शॉप है। इस शॉप के मालिक विपुल भाई पप्पा के अच्छे दोस्त हैं, और हम मोबाइल या जब भी कोई दूसरी एसेसरीज यहां से ही लेते हैं, जब भी लेते हैं। तो और आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है अभी यहाँ पर, आप देख सकते हो। और दोस्तों मोबाइल की शॉप में आए हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि कोई फोन से रिलेटेड ही कुछ लेने आए होंगे यहाँ पर हम। तो ये है वो स्पेशल गिफ्ट जिसको हम लेने आए हैं भाणवर अभी, और ये गिफ्ट मुझे किस खुशी में मिला है वो तो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता हूँ। तो अभी मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ मेरा ओप्पो रेनो 8T, जो कि मुझे मम्मी पापा की तरफ से गिफ्ट में मिला है। और इतनी बड़ी गिफ्ट मुझे मिली है 12th साइंस में पास होने की खुशी में। वैसे पापा ने तो पहले ही बोल रखा था कि अगर पास भी हो गया तो भी तुम्हारी पसंद का फ़ोन गिफ्ट को मिलेगा, गिफ्ट में मिलेगा। तो फाइनली आज मुझे मेरा गिफ्ट मिल ही गया। वैसे आप लोगों को कैसा लगा ये गिफ्ट कॉमेंट में ज़रूर बताना, मैं तो बहुत खुश हूँ। वैसे थोड़े टाइम पहले ही मैंने फ़ोन ख़रीदा था ओप्पो रेनो 8T, तो वो भी अच्छा था, अभी मैं ही यूज़ कर रहा था। पर अभी ये दूसरा फ़ोन भी आ चुका है, तो वो फ़ोन हमारा वीडियो शूटिंग के लिए और ये फ़ोन दूसरे कुछ कामों के लिए तो हो गया है। तो कैसा लगा आपको ये गिफ्ट हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो फिर से नया फ़ोन मिल गया है मुझे तो दोस्तों। अभी मैं आया हूँ खेत में मम्मी की थोड़ी सी हेल्प करने। वैसे मम्मी को बनाने हैं गुंदा और आम का अचार। तो आम तो हम भाणवर से लेके आए हैं बाज़ार से, और गुंदा तो यहाँ पर हमारी जो खेत की इस साइड पूरी लाइन है गुंदे की, तो वहाँ से मैं और मम्मी आए हैं गुंदा तोड़ने। तो मम्मी की थोड़ी सी मदद कर देता हूँ मैं भी। और हाँ, अचार के साथ साथ कोठिम्बा की काचरी भी बनने वाली है, तो वो सारी प्रोसेस भी दिखाता हूँ आगे वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखना दोस्तों।